हेलो बच्चों आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फिफ्थ का लेसन नंबर सिक्स अनाउंसमेंट्स इसको स्टडी करेंगे अनाउंसमेंट्स यानी ऐलान करना कोई भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना तो स्कूल में नोटिस बोर्ड के ऊपर जो लगाते हैं उसमें टाइम टेबल होता है या उसमें कौन से दिन हॉलीडे है ये नोटिस होता है तो जो भी नोटिस लगता है नोटिस बोर्ड के ऊपर वो सब क्या होते हैं अनाउंसमेंट्स होते हैं तो अलग अलग चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं तो चलो हम लोग यहाँ रीड करते हैं क्या क्या चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट्स होते हैं स्कूल में तो ये पहला है सिक्स जुलाई टू थाउजेंड फिफ्टीन ऊपर डेट लिखी हुई है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय द हेड बॉय एंड हेड गर्ल दैट सर्टेन क्लासेस डू नॉट क्लीन अप दियर क्लास बिफोर लीविंग तो हेड बॉय हेड गर्ल ने क्या ऑब्जर्व किया है कि कुछ क्लासेस अपने क्लास अपने क्लास को साफ नहीं करते हैं जाने से पहले इफ़ एनी क्लास इज़ फाउंड अन टाइडी एंड लिटर्ड आफ्टर स्कूल दैट क्लास विल बी डिटेंड द नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल आवर्स अप टू फोर पी एम तो अगर आइंदा से कोई भी क्लास गंदी पाई गई उसमें कचरा पाया गया तो वो क्लास को स्कूल आवर्स के बाद चार बजे तक रोक के रखा जाएगा प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस इसका आप लोग नोट ले लो इसका ध्यान रखो यानी अपनी क्लास को साफ करके जाना है वरना ये पनिशमेंट मिलेगी तो ये एक टाइप का अनाउंसमेंट था अब ये दूसरा अनाउंसमेंट क्या है टमोरो दैट इज़ ऑन द टेंथ ऑफ जुलाई स्कूल विल क्लोज एन आवर अर्लियर एज द टीचर्स हैव टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट पी टी ए मीटिंग तो ये अनाउंसमेंट क्या है कल दस जुलाई को स्कूल एक घंटा पहले छूट जाएगी क्योंकि टीचर्स को एक इंपॉर्टेंट पी मीटिंग अटेंड करना है पी टी ने पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन सो प्लीज़ इन्फॉर्म योर पेरेंट्स टू अरेंज टू पिक यू अप एट टू पी एम इंस्टेड ऑफ़ थ्री पी एम तो अपने घर पे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि कल तीन बजे के बजाय दो बजे यानी एक घंटा जल्दी पिकअप करने आ जाना है ये एक तरीके की नोटिस हो गई टाइमिंग में चेंज हुआ उसकी नोटिस है अब ये तीसरी नोटिस क्या है अनाउंसमेंट क्या है ऑन सनडे ट्वेल्थ जुलाई टू थाउजेंड फिफ्टीन दर इज़ अ फुटबॉल मैच बिटवीन क्लास एट एंड नाइन्थ ऑन द स्कूल ग्राउंड यानि संडे ट्वेल्थ जुलाई दो हज़ार पंद्रह डेट दिया हुआ है और दिन दिया हुआ है उस दिन क्या होने वाला है एक फुटबॉल मैच होने वाली है आठवीं और नवी के बीच में स्कूल ग्राउंड पर द मैच विल बिगिन एट नाइन एम मैच कब शुरू होगी सुबह नौ बजे शुरू होगी ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू कम एंड शेयर दियर फेवरेट टीम सब स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है कि वाओ और जो भी उनकी फेवरेट टीम होगी उसको चीयर करो उसको बढ़ावा करो प्लीज़ कम ऑन टाइम सो दैट द प्लेयर्स आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड तो वक्त पर आ जाओ ताकि प्लेयर को डिस्ट्रैक्शन ना हो ये एक तरीके की नोटिस है एक इवेंट की नोटिस है फुटबॉल मैच होने वाली है अब ये क्या दिया है द स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पटिशन फॉर क्लासेज फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट टू ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई अब स्कूल में क्या होने वाला है स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है क्लास फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ के लिए कब होने वाला है ट्वेंटी फर्स्ट से ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई तक द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल हॉल एट टेन एम इन द मॉर्निंग कहाँ होने वाला है कॉम्पिटिशन स्कूल हॉल में सुबह दस बजे चिल्ड्रन मे सिलेक्ट अभी क्या क्या टॉपिक पे आपको स्टोरी टेलिंग करनी है वो टॉपिक दिया हुआ है अ फेबल अ फोक टेल अ फेरी टेल अ ट्रू स्टोरी अ फ़नी स्टोरी ये पांच में से कोई भी एक टॉपिक पे आपको एक स्टोरी बोलना है थ्री प्राइजेस विल बी गिवन फॉर ईच कैटेगरी ईच कैटेगरी में तीन प्राइज होगा यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हर एक कैटेगरी में दिया जाएगा द टाइम लिमिट इज़ थ्री टू फाइव मिनट्स तीन से पाँच मिनट के बीच में आपको स्टोरी बोलना है दो सो विश टू पार्टिसिपेट मे कॉन्टैक्ट मिसिस संजना मोहिते फॉर अदर डिटेल्स जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मिसिस संजना मोहितो को कॉन्टैक्ट कर ले बाकी डिटेल मालूम करने के लिए दे मस्ट रजिस्टर देअर नेम्स हर बिफोर द सिक्सटीन ऑफ जुलाई उनको ये मैडम के पास अपना नेम रजिस्टर करना पड़ेगा सोलह जुलाई से पहले तो ये नोटिस ये अनाउंसमेंट किसके बारे में था एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है स्कूल में तो ये अच्छे से आप लोग देखो इसके अंदर सब इंफॉर्मेशन दी रहती है बच्चों क्या चीज़ का अनाउंसमेंट है कौन सी क्लास के लिए कब होगा क्या उसके टॉपिक्स है कितना मिनट आपको बोलना है क्या प्राइज है ये सब चीज़ दी रहती है अनाउंसमेंट्स में अब इसके बाद क्या है अब यह एक अलग टाइप का अनाउंसमेंट है कंस्ट्रक्शन वर्क टू एक्सटेंड द स्कूल बिल्डिंग विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक यानी स्कूल बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम अगले हफ्ते चालू होगा ऑल स्टूडेंट्स आर कौशनड नॉट टू क्रॉस ओवर द फेंस एट द कंस्ट्रक्शन साइट तो सब स्टूडेंट को कॉशन किया जाता है यानी सब स्टूडेंट को वार्निंग दी जाती है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट के अराउंड जो फेंस लगेगी यानी बाउंड्री लगेगी उसको क्रॉस नहीं करना है इट इज़ डेंजरस एंड मे कॉज यू इंजरी ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपको कुछ इंजरी हो सकती है मार लग सकता है आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं जाना है प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट फेंस अब देखो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट फेंस लाल कलर में बोल्ड में लिखा हुआ है ये वार्निंग के तौर पे लिखा हुआ है कि फेंस से दूर रहो अब ये लास्ट वाला अनाउंसमेंट क्या है अ साइकिल की विथ अ ब्लू की चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन द ग्राउंड अब ये किसी की चीज़ घूम जाती है तो उसके लिए भी एक अनाउंसमेंट लगता है लॉस्ट एंड फाउंड तो ये वो टाइप का अनाउंसमेंट है नोटिस है तो इसमें क्या घूम गया है किसी का साइकिल की साइकिल की जिसके अंदर ब्लू की चेन है वो मिली है ग्राउंड में हु एवर हैज़ लॉस्ट इट कैन कॉन्टैक्ट द क्लर्क मिसिस नीना पिंटो एंड सी इफ इट बिलोंग्स टू हेम हर तो जिसका भी होगा वो किसको कॉन्टैक्ट करना है क्लर्क मिसिस नीना पिंटो को कॉन्टैक्ट करके ले लेना है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड पर आपके स्कूल में भी देख आपने देखी होगी बच्चों तो ये उसी के सब एग्ज़ाम्पल्स है तो इससे क्या होता है हमको कुछ लिखने का प्रैक्टिस हो जाती है कोई टॉपिक पर कुछ लिखने की इन्फॉर्मेशन देने की हमको प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे छोटे छोटे नोटिस बोर्ड से तो इसके अंदर देखो क्या दिया है बच्चों ये बाकी सब तो वर्क है ये जो पहला है इसको हम लोग देख लेते हैं चूज़ अटटेबल हैडिंग फॉर ईच अनाउंसमेंट फ्राम दो गिवन बिलो जो छाउ छः अनाउंसमेंट्स थी इसका हेडिंग क्या होगा छ ये जो अनाउंसमेंट थी वो किसके बारे में ऊपर हेडिंग क्या टॉपिक होगा ये हमको इसमें से सही जगह पर लिखना है तो यहाँ पर दिया हुआ चेंज इन स्कूल आवर्स स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन वार्निंग क्लिनलीनेस लॉस्ट एंड फाउंड फुटबॉल मैच तो ये सब क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग पहला क्या था अनाउंसमेंट पहला अनाउंसमेंट किस बारे में था क्लिनलीनेस के बारे में था इसमें क्लासरूम गंदा रख रहे थे बच्चों तो उसके बारे में था तो इसका हेडलाइन क्या आएगा बच्चों क्लिनलीनेस और दूसरा अनाउंसमेंट किस बारे में था स्कूल टाइमिंग जो चेंज हो रही थी उसके बारे में था एक घंटा पहले छूटने वाली थी तो ये क्या आएगा स्कूल टाइमिंग क्या दिया था उन्होंने नीचे चेंज इन स्कूल आवर्स तो इसमें क्या आएगा बच्चों चेंज इन स्कूल आवर्स और थर्ड क्या है ऑन संडे ये ये तारीख को फुटबॉल मैच होने वाला था तो इसके ऊपर क्या आएगा हेडिंग फुटबॉल मैच फिर उसके बाद वाला क्या था स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है उसकी डिटेल दी हुई थी तो इसका हेडिंग क्या आएगा स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन उसके बाद में ये कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं जाना है तो ये क्या था ये वार्निंग थी तो इसका हेडिंग क्या आएगा वार्निंग और ये लास्ट वाला है ये कोई चीज़ घूम गई थी तो ऐसे अनाउंसमेंट को क्या बोलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड तो इसका हेडिंग आएगा लॉस्ट एंड फाउंड तो ये सब हेडिंग थे बच्चों अभी आगे ये सब दिया हुआ ये सब ग्रुप एक्टिविटीज़ है ये सब आप लोग स्कूल में आपको बताया जाएगा उस हिसाब से आप लोग इसको कर लेना तो यहाँ पर ये लेसन ख़त्म हो गया